तुमची प्रार्थना हेच मुझे मागणी, हीच मुझी प्रार्थना हेच मुझे मागणी। माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे, खबर खुश खबर खुश खबर। आता आपल्या रावेर शहरामध्ये आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत आदरणीय अप्पासाहेब राजाराम काशीराम पवार व मधुर फाउंडेशन तर्फे राका इंटरनॅशनल CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल रावेर। आता आपल्याला उच्च शिक्षण आधुनिक शिक्षण घेण्यासाठी कुठे बाहेर जायची गरज नाही, आपल्या पाल्याला अत्याधुनिक शिक्षण आता आपल्या रावेर शहरामध्ये राका इंटरनॅशनल स्कूल मार्फत उपलब्ध आहे। रावेर शहरापासून अगदी 2 किलोमीटर दूर अंतरावर सर्व सुविधायुक्त CBSE स्कूल आपल्या सेवासाठी। शुरुआत होगी सही तो सफलता मिलेगी वही, इसलिए सही शुरुआत करें। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो। इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम फॉर स्कूल्स। आज के दौर में हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ हटकर करे, लेकिन किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बच्चे का शारीरिक बौद्धिक और मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। ऐसे में स्कूल ड्रीम एजुकेशन से जुड़कर उनकी सफलता की राहें आसान कर सकते हैं। अबेकस और वैदिक मैथ्स के रूप में उत्कृष्टता की सौगात लेकर आया है। स्कूल सिलेबस के साथ ही ड्रीम एजुकेशन की बुक्स को ऐड कर दिया जाता है, जिसे बच्चा कोर्स के साथ ऐसी सभी एक्टिविटी भी सीख ले जो उसके संपूर्ण मस्तिष्क विकास में सहायक हो। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी दिमागी क्षमता का 10% हिस्सा ही उपयोग करता है। आइंस्टीन ने अपने दिमाग का 18% हिस्सा ही उपयोग किया था। फिर अबेकस से तो दिमाग का अधिकतम विकास संभव है। न्यूरोसाइंस में हुई रिसर्च के अनुसार दोनों हाथों से काम करते समय दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाते हैं। अबेकस कैलकुलेशन में बीट्स को दोनों हाथों से ऊपर व नीचे किया जाता है, जिसे पूरा माइंड एक्टिव होने लगता है और वैदिक मैथ से क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन स्किल्स बढ़ने लगती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में यह ट्रिक बहुत कारगर सिद्ध होती है। इससे विद्यार्थियों को सकारात्मक व आत्मविश्वासी बनाना है। तो आइए आप और हम मिलकर विद्यार्थियों के सपनों की राह आसान बनाएं। शुरुआत होगी सही तो सफलता मिलेगी वही, इसलिए सही शुरुआत करें। स्मार्ट क्लासेस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स क्लासेस, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाएं, पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम एवं इंग्लिश बोलने पर विशेष ध्यान, कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य, प्रत्येक माह पीटीएम, जनरेटर की सुविधा, शारीरिक विकास के लिए विशाल मैदान, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कराना और सभी प्रकार के इंडोर आउटडोर गेम्स और सीसीटीवी जैसी अन्य कई विशेषताओं के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, आशाएं जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना, आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगा बात बन जाती है, बावले हाथी सी
हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के पड़ी आँख दिखलाती है तो आँख से उसकी आँख मिला के फिर जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। Myself Samiksha Nirgar. I am from Raka International School, Ravid. Have you ever wondered that where does rain comes from or how does clouds are formed? Today we will clear all your queries in this video. We live on a planet known as Earth. Earth is also known as blue planet because more than 70% of Earth is covered with water. Now our question is that what is water cycle? Water cycle is a continuous process of water which starts from sea to sky and then return back to the sea. This is known as water cycle. When sun shines on the river, the heat of sun changes some water into water vapor. The changing of water into water vapor is known as evaporation. Evaporation is the first step of water cycle. On moving on, when this water vapor goes up, it changes into tiny drops of water. This is known as condensation. Many such tiny drops of water together form a cloud. This is known as condensation.
On cooling, when clouds become more heavy and cannot hold the weight of water, they fall down in the form of rain. This is known as precipitation. The rainwater again goes into the river and this process goes on and goes. I hope you all understand about water cycle. Thank you. Hello, my dear students. Welcome to all. Myself, Rahul Bhamre. I am from Raka International School, Raver. I am here to teach you the speed math. How you want your child become more stronger and more genius in math? Now, enroll in Raka International School, Raver and see the change in your child. Now, I am going to teach you the square. How we can draw the square in quick second of time, the square of 35. We can take the first number is 3 and after that we take 4. So 3 multiplied by 4 become 12 and the square of 5 become 25. So this is your final answer. Now the second question is 65 multiplied by 99. How we can draw on 65? So less 1, we can take less 1, to we get 64. And the first 9 less first 6 become 3 and second 9 less second 4 minus to become 5. So you will get the answer 6435. The next question is multiplication. How we solve the multiplication? Look here. Okay. So 5, we take first digit 5 and the second digit 2 as it is, and addition of both number we can take in middle. So our answer is 572. The second number we can take the cube root also, and we can solve cube root in quick second of time, which will help you more. Okay, so we take last 3 digit, which will 688. The last digit unit place is 8, which is the cube of 2. Okay, which is the cube of 2, that we say the cube of 2 is 8. Okay, and the next 3 digits 778 we can draw on from the cube of 9 becomes 729, which is less than 778. So we take 9, so our answer become 92. Okay, the next question is square root. How we can draw on the square root? So first we take 25 as the last 2 digit. Now we can get the square of 5 become 25 and the 90. How we get 90 from 9? So the square of 9 become 81, which is less than 90. So we take 9. So our final answer is 95. I hope you got it. Thank you very much. Hello students. My name is Pratibha Brahmanand Jagdev. I am from Raka International School. Today I will teach you runs, bits of paper. Bits of paper, bits of paper, lying on a floor, lying on a floor. Make a pleasant tidy, make a pleasant tidy. Pick them up, pick them up. Thank you. Hello students, myself Jeevan Taide from Raka International School, Raver. School. Today we are going to learn preposition or position word. Can you see in this picture, where is the cat? In picture number 1, the cat is in the box. In picture number 2, the cat is on the table. In picture number 3, the cat is under the table. In picture number 4, the cat is near the table. Now we have seen these 4 examples. Now I will tell you, a preposition is a word which show us a position of a person, an animal, a place or a thing. This is the definition of preposition. Now students, how are we able to identify the position of word? By seeing the cat, we are able to understand the position of word, like the cat is inside the box, the cat is on the table, the cat is under the table and the cat is near the table. Like this we can identify the position of anything. Now students, we will see the examples of in, on, under and near preposition. First we will see the examples of in. Now can you see this picture? Where is the ball in this picture? The ball is in the box. Now we will see another picture, and now can you see where is the ball? The ball is on the box. Now we will see next picture. Now can you see where is the ball? The ball is under the box. And we will see another picture. Where is the ball in this picture? The ball is near the box. These are the examples of preposition in, on,
under and near. I hope that you have understood this lesson. Thank you very much.